यानी कि आदमी को इतनी मस्ती मिल जाए बस वो पर्याप्त है जी। हमारे यहाँ तो हर संबंध हास्य रस में है ना जी। अच्छा ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा। अच्छा बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अच्छा अरे बोले तेरा दिमाग खराब है मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है। वो मेरे पड़ोस में रहते जी राम किशन जी जी। उनके बेटे का रिजल्ट आना था तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा। तो छोरा बोला राम किशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। ये हरियाणा के संबंध ऐसे ही हैं जी। जब ये बाप बेटे के ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य से भरे ही पड़े जी। वो एक दामाद को ससुराल पत्नी को लेने तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया। सास बोली बे जी नहीं भरा अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया। सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है। हम अभी नहीं भेजेंगे 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं भी आज आके थक गया मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे। बोले क्यों थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी। सही बात है। बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। तो बोले मैं कह रहा फूका क्या हूँ। वो एक और दामाद पता ससुराल पति को लेने तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। उसने बाकी बच्चों से कहा बोल मेरे जीजा को समझाओ। अच्छा और अगर नहीं माने ना तो यूँ कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुँच गए बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जा या देवा आ जा मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोले देवी आगे ना भेजू देवी आगे ना भेजू देवी आगे ना भेजू। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। दरअसल क्या हमारे यहाँ काम वही कर सकते जो हरियाणा का ही हो जी। अच्छा जैसे डॉक्टर है कोई और प्रदेश का जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जा कर ही नहीं सकता क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो एक डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब। नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। वो एक आदमी का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया। अच्छा बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता कसूता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम अकेले को वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लू। तो ये हरियाणा की अलग मस्ती है जी। आइए मस्ती से कविता की ओर चलते हैं जी। एक कविता आपको सुनाता हूँ। युद्ध से मैंने एक हास्य की कविता निकाली है। युद्ध वीर रस का विषय है या करुण रस का, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई देश भक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। अच्छा नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। अच्छा एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गर्माया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे। दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़े सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया। माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। अच्छा। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा। अच्छा। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्थी दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया। अच्छा, मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। सुना, ये बंदूक यहाँ से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिख कर देख लो। क्या बात, तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है। कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूँ। अच्छा। अफसर चौका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। फिल्मोनिया। हाँ। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पाँव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। क्या बात है, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। अच्छा। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा, लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। क्या बात। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। बस यहाँ गलती हो गई। हाँ। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, ठीक होते हो फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहाँ तोपों को देखते उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। कल छोड़ो भी, इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है? अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें जी। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहाँ भी 2-4 सैनिक दिखे वही रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। क्या बात है, सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो, कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो। वाह वाह वाह।